आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते दोस्तों, प्रश्न है कि सरल रेखाओं 3x-4y-11=0 और 2x-3y-21=0 के छेदन बिंदु से 8x-6y-5=0 पर खींचे गए लंब की लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु दिया हुआ है 3x-4y-11=0 और दूसरा है 2x-3y-21=0। तो सबसे पहले दोस्तों हम विलोपन विधि से इसमें x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक इसे मान लेते हैं, इसे समीकरण दो मान लेते हैं। समीकरण एक को 3 से गुणा कर देते हैं दो से, और समीकरण दो को 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से मान हो जाएगा 6x-8y-22=0 और 6x-9y-63=0। ये हमारे पास समीकरण 3 मान लो और इसे समीकरण 4 मान लो। अब यहाँ से घटा देते हैं इसको हम, तो ये हमारे पास ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक, तो मिल जाएगा माइनस वाई धन 3, 2, 5, 6, 2, 8=0 यानी कि वाई बराबर 85 मिल जाएगा। और जब y का मान 85 मिल गया तो किसी भी समीकरण में हम मान रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं 3x-4×85=11=0 यानी कह सकते हैं यहाँ से 3x-4×20=4×8=32, 32×2=34 और −11। तो यहाँ से मान मिल जाएगा 3x-351। यह हम कह सकते हैं कि x-117 यानी कि अब हमारे पास जो बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, जो इसके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, −117, 85। ठीक है, अब इससे इस बिंदु से 8x-6y-5=0 इस रेखा पर हमें लंब डालना है। तो 8x-6y-5=0 इस रेखा पर हम लंब डाल देते हैं। 8×-117×6×85/5√8²/6² ठीक है, d बराबर मिल जाएगा यहाँ से। तो अब मान मिल जाएगा यहाँ से 8×-117×6×85/8²/6² 1/2। तो दोस्तों यहाँ से हमें मान मिल जाएगा d बराबर −42.1। यह हम इसे कह सकते हैं d बराबर 42.1 मात्रक। ये उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।